हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रचनास कुकबुक। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चटपटा चटनी का वो। इसमें मैं आपको दो चटनी और एक स्पेशल मसाला जो हर चीज में चांद लगा देती है, आप इसको समोसा कबाब या फिर दही बड़े के साथ खाएं। दही बड़े की रेसिपी मैंने अपलोड की है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगी। तो ये चटपटा चटनी एंड मसाला कॉम्बो जरूर ट्राई करें। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। मेरे सारे वीडियोस फ्री में देखने के लिए नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन दबाए, पास का बेल आइकन प्रेस करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करें। इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए आधा कप इमली ले लीजिए, उसके सीड्स हमें निकाल देने हैं और उसमें दो कप पानी ऐड कर देना है। हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे 15 मिनट तक गैस पर सॉफ्ट होने देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और फिर आगे के प्रोसेस में चलते हैं। तो ये ठंडा हो गया है, मैंने एक बोल और छलनी ले ली है। अब मैं इसको छान लूँगी। इसके ऊपर जो पल्प रहता है उसे हमें अलग कर कर मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट बनाना है और नीचे जो बोल में पानी है उसे आगे के प्रोसेस में हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसे मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट बना लिया है, मैं इसे फिर से छान लूँगी ताकि इसके रेशे हम निकाल दें। तो इसे मैंने अच्छे से अब छान लिया है, आप देख सकते हैं इसके रेशे हम निकाल देंगे और इसे आगे के प्रोसेस में ले चलते हैं। तो नीचे के बोल में जो पानी था वो मैंने इस बर्तन में डाल दिया है और गैस का फ्लेम मीडियम रखा है। अब मैं इसमें एक कप गुड़ डाल रही हूँ, बेसिकली जितनी इमली लेते हैं उसके डबल क्वांटिटी का आपको गुड़ डालना है और गुड़ को अच्छे से पिघल देना है। आप देख सकते हैं मेरी गुड़ अच्छे से पिघल गई है। अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून शक्कर ऐड करके इसे पिघल दूंगी। शक्कर पिघलने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून चाट मसाला और आधा टीस्पून गरम मसाला ऐड कर इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून या फिर स्वाद अनुसार नमक और साथ में आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इसमें इसे मिक्स कर अच्छा उबाल आने दें। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर इसे ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा ये थोड़ा और थिक हो जाएगा। तो इसे मैंने ठंडा कर निकाल दिया है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो बॉईल करते वक्त ज़्यादा पानी ऐड कर अपनी मनपसंद कंसिस्टेंसी बना सकते हैं। अब हम हमारी तीखी हरी चटनी बनाएंगे। उसके लिए आप आधा नींबू का रस ले लीजिए, आधा टीस्पून नमक या फिर स्वाद अनुसार, 2 से 3 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 लहसुन की कलियां। इन सारी चीज़ों को हम 2 कप धनिए में डालकर मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। तो यहाँ सारी सामग्री मैं 2 कप धनिए में ऐड कर रही हूँ और इसका ढक्कन लगा कर ज़रूरत के अनुसार पानी डालकर मैंने पीस कर तैयार कर दिया है। आप इसमें ज़रूरत के अनुसार पानी डालकर कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम हमारा चटपटा मसाला बनाएंगे। उसके लिए 2 लाल मिर्च, आधा टीस्पून साबुत धनिया और 2 टीस्पून साबुत जीरा ले लीजिए। इस सबको हम पैन में डालकर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और इसे अच्छे से ड्राई रोस्ट कर तैयार कर देंगे। जब इसमें से खुशबू आने लगे तब ये मतलब अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुका है, इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। तो अब आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और आगे की प्रोसेस में चले। तो यहाँ मैं आधा टीस्पून नमक और आधा टीस्पून चाट मसाला डाल रही हूँ और मिक्सर ग्राइंडर में इन सारी चीज़ों को पीसकर पाउडर फॉर्म में तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने सबको मिस पीस लिया है, अच्छा सा पाउडर हमारा चटपटा मसाला तैयार हो चुका है। हमारी चटनी और मसाला तैयार हो चुका है। तो इसे मैं आपको दही वड़े के ऊपर डाल के दिखा रही हूँ। अगर आपने इसकी रेसिपी नहीं देखी है तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो में दे रही हूँ, उसे ज़रूर से देखें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिले। ये देखिए मैंने आपको इन चटनियों के साथ खाने के लिए दही वड़े, कबाब और बाकी चीज़ों की रेसिपी दे दी है। उन सबको देखें और मज़े करें। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।